हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं शिवराज चौहान जी, उन्होंने गुंडा अभियान के खिलाफ एक बहुत बड़ी शक्ति रची है। अभी जैसे बीच में इंदौर में 10 से 15 दिन पहले इंदौर में कुछ हादसा हुआ था। कुछ गुंडों ने, 4 5 6 7 गुंडों ने मिलके एक लड़के को चाकू मारी और चाकू मार के उसको हत्या हो गई, हत्या कर दी गई। तो इसको देखते हुए जनता काफ़ी भड़क उठी है, जिससे कि शिवराज चौहान जी ने, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्लस अभी जैसे कि जो 7 लोगों ने मिलकर एक युवक को चाकू मार के उसकी हत्या करी, तो उनके मकान जितने भी बने हुए हैं, 7ों के मकान निरस्त कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। दो दो तीन तीन मंजिल के सारे मकान उनके तोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने सख्ती से उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करा और 400 से 500 लोगों की टीम, क्राइम वाले, सीआईडी, हर ब्रांच वालों में उनको मिलके 7ों को आखिर हर जगह से, अलग अलग शहरों से ढूंढ निकाला और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे कर दिया है। और साथ में ही उनके जो मकान थे 7ों के, उन मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है, गिरा दिए गए सारे मकान। तो यह गुंडा अभियान के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है हमारे सीएम द्वारा, ताकि जो आगे के गुंडे हैं, जो हर छोटी छोटी बात पे चाकू मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो अब उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह उनके साथ में जेल तो हो रही है, साथ में उनके मकान भी जो हैं वह भी गिराए जा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, सख्ती से कार्रवाई गुंडों अभियान के खिलाफ करी जा रही है इंदौर में, और यह बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर तो ज़रूर करें। धन्यवाद।